बनाने जा रहे हैं वो एक भजिया है। वो भजिया आज हमें कसावा का भजिया बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कसावा को मैंने चिप्स की तरह कट कर लिया है। कट करने के बाद उसको मैंने स्टीम कर लिया है। स्टीम कर लेने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। ओके, अभी हमें और क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। इसके लिए हमें एक कसावा तो चाहिए, कॉर्नफ्लोर, बेसन, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट, ग्रीन चिली एंड धनिया। अभी हम उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं। बाउल के अंदर हमें कसावा की चीज जो मैंने स्टीम करके ली हुई है वो लेते हैं। उसके बाद हम उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, बेसन, ये है गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, धनिया, धनिया इसमें बहुत सारे डालने हैं और सॉल्ट। ये सब डाल के हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें पानी की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, पर हमें देखना है। हाथ से अच्छे से हिलाएंगे। उसमें वो जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और बेसन डाला है उसका बाइंडिंग अपने आप हो जाएगा, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे इस तरफ हम अपना ऑयल गरम करने रख दिया है, तो अभी हम वो उसमें फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, तो अभी हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते अभी हम उसको ऐसे उलटाएंगे। ये भजिया जो हमने कसावा का बनाया है वैसे हम पोटैटो का भी कर सकते हैं, और पोटैटो को तो हमें स्टीम करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऐसा मसाला लगा के हम पोटैटो भी फ्राई करके उसका भजिया बना सकते हैं। बनाने में इजी तो है ही, पर टेस्टी भी बहुत बनते हैं और बहुत फटाफट रेडी हो जाते हैं। अभी ये हमारे बच्चे रेडी होने आए हैं। अभी हम उसको निकाल देते हैं। अगर आपको और क्रिस्पी करना है तो आप कर सकते हैं, पर ये बेस्ट है। अभी ये हमारे बच्चे रेडी हो गए हैं। अभी हम उसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम ये एक प्लेट लेते हैं। ये प्लेट में मैंने साल्सा सॉस और ग्रीन चटनी दोनों के साथ सर्व किया हुआ है। अभी उसमें हम अपने जो फ्राई किए हैं वो कसावा का, जिसको हम मोको भी बोलते हैं, उसका हम ये भजिया इधर रखेंगे और सर्व करने के लिए अभी हमारी ये प्लेट रेडी होगी। देखा फ्रेंड्स कितना इजी है। प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करने का भूलिएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।